स्वारघाट कस्बे में चोरों का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। देर रात अज्ञात चोर ने स्वारघाट के लोअर बाजार में एक दुकान के ताले तोड़े तो वहीं नालागढ़ रोड पर एक बंदूक रिपेयर की दुकान और गुज्जर हट्टी में एक दुकान के ताले तोड़ हजारों की नकदी और सामान ले उड़ा। चोरी की इस वारदात से स्वारघाट बाजार में सनसनी का माहौल है। हालांकि स्वारघाट के लोअर बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जान से पता चल रहा है कि दो लोग सफेद स्कूटी पर सवार होकर आए थे और चोरों ने रात करीब 12:04 पर स्वारघाट के लोअर बाजार स्थित मनियारी की एक दुकान के ताले तोड़े, लेकिन फुटेज इतनी क्लियर नहीं है। ना तो स्कूटी का नंबर पता लग रहा है और ना ही स्कूटी सवार पहचाने जा पा रहे हैं। स्वारघाट लोअर बाजार स्थित मनियारी की दुकान के मालिक रामपाल पुत्र रतिराम गाम कुनप्लेट डाकघर गलोट तहसील नालागढ़ जिला सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि वह दुकान बंद करके घर गया था। जैसे ही सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो पाया कि शटर से ताला गायब था और दोनों ताले साथ बने नाली में गिरे हुए थे। जब उसने दुकान खोलकर देखा तो पाया कि अज्ञात चोर उसकी दुकान से 2500 रुपए के हार, गले से 400 से 500 रुपए की नकदी, रेन सूट, क्रीमे सेट आदि उड़ा ले गए हैं। उसने इसकी सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी, जिसके बाद स्वारघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो मैंने ताले देखे नाली में, मैं बाइक में से उतरा, ताले मेरे नाली में दो ताले, मैंने ताले किसके है, तो मैंने शटर की ओर ध्यान दिया तो मेरे ताले थे ही नहीं दुकान में लगे हुए और शटर बीच बिल्कुल लगा के गए हुए थे वो। जब मैं शटर खोला तो मैं देखा अंदर मेरे हार थे लटके हुए 2500 रुपये के, 2500 रुपये हार ले गए। एक रेन सूट था मैंने लटकाया हुआ, रेन सूट था वो बाहर का वैसे हैंगर में लटकाया हुआ, उसको भी ले गए वो। और गले में मेरा 250-250 रुपये की पर्चियाँ, लगभग 200-250 होगा, वो भी ले गए। और उसके अलावा शायद ऐसा लगता है जैसे इसमें से कुछ क्रीम में आ रहा, दो एक दो क्रीम के एक दो सेंट भी ले गए होंगे, फॉग वगैरह वगैरह। और यही है बाकी मेरे